प्रशासन को इसके बारे में फोन के माध्यम से जानकारी दी गई है, परंतु कोई अभी तक नहीं आया है और घर में भी लाइटें अभी तक नहीं आई है। उसका यही कारण है कि मीटर भी खराब हो गया, हमने बुलाया। चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6,000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। हम तो नानी जी के गए हुए थे और पाप, जैसे ये 10 बजे की बात है, एकदम से बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और ये कहने का मतलब दमदमा हुआ, और मेरे पापा आके देखा एकदम से, तो बोले कि आवाज़ आई एकदम से, तो वो डर गए थे, अकेले थे। फिर हम आए, फिर ऐसे देखा सुबह आके भी ये हुआ है। अगर रात को कोई यहाँ पर होता तो हाँ हादसा हो जाता, वो तो हम थे नहीं, इधर हादसा लिखा हुआ ही था। वो तो भगवान की दया से कोई भी नहीं था, बच्चे वगैरह हम कोई भी नहीं थे, नानी जी के। क्या क्या नुकसान हुआ घर में? नुकसान तो घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक है वो सारे हो गए, फ्रिज टीवी जो भी है, लाइटें भी। कौन सी जगह? ये धोलाबाटा, रामदेव कॉलोनी, बाबा रामदेव कॉलोनी। आपका नाम? मेरा नाम डिम्पल। बिजली कल से गई हुई है शॉर्ट सर्किट हुआ जब से, अभी तक कोई लाइटों का पता नहीं है। सुबह से शिकायत करी हुई, फोन भी कर दिया, लेकिन कोई आके यहाँ देख नहीं रहा है। और ये तो अच्छा हादसे में कोई यहाँ था नहीं, तो बहुत इंसान का भी बहुत बड़ा भारी नुकसान होता, कुछ हो जाता, हादसा बहुत भयंकर होता अगर रात को ही हो जाता। रात को ही फोन कर दिया था। टाटा पावर में फोन कर दे तो क्या बोलते हो? उन्होंने अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया, बोला भेज देंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं है यहाँ। लेकिन ऐसे इतने अब गर्मी, भरी गर्मी का लापरवाह इतना है कि गर्मी इतनी पड़ रही है, इंसान को कुछ हो लगे यहाँ कोई देख नहीं रहा। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। देखिए, 2-3 दिन से जो तेज हवाएं चल रही है, बिजलियाँ गिर रही है जगह जगह और बारिश हो रही है, उससे कल रात्रि 10 बजे की घटना है जिससे एक बिजली निवास स्थान पर गिर गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है घर को। घर के उपकरण जो बिजली के होते हुए जल गए हैं, और पूरा घर में जो शॉर्ट सर्किट हुआ उससे पूरी लाइनें अस्त व्यस्त होकर जल गई है, इससे भारी नुकसान हुआ। RCC भी नीचे गिरी है और चूना भी इधर उधर फैल गया है। ये तो गरिमत रही कि जनहानि नहीं हुई, और जो हिसाब आका जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है घर में। प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी? प्रशासन को इसके बारे में फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी गई है, परंतु कोई अभी तक नहीं आया है और घर में भी लाइटें अभी तक नहीं आई है। उसका यही कारण है कि मीटर भी खराब हो गया, हमने बुलाया इलेक्ट्रिशियन को, वह बोल रहे हैं कि पहले सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो टाटा पावर लगता है या निगम लगता है वो आकर देखेगा, उसके बाद ही लाइटें चालू होगी, क्योंकि मीटर भी खराब है। अभी कोई नहीं आया। मेरा नाम लक्ष्यराज सैनी, धोलाबाटा अजमेर। कौन सी जगह? धोलाबाटा, न्यू रामदेव कॉलोनी, अजमेर।